हाय फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम योस्ट एसईओ प्लगइन के एक बग के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेटा बॉक्स है ये कम्प्लीटली ब्लैंक दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, ये पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। यहाँ पर एक और बग दिखाई दे रहा है, जो कि अगर हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पर हमें पोस्ट का ओवरव्यू शो होता है, वो भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये लोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट का ओवरव्यू शो नहीं हो रहा है। और जो सेकेंड बग यहाँ पर है, जो हमें मेटा बॉक्स यहाँ पर मिलता है, वो भी कम्प्लीटली ब्लैंक दिखा रहा है। तो आज हम इसी की सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्जन 10.0 फिलहाल अभी यूज कर रहा हूँ। जो पिछला वर्जन था 9.5, उसमें करेक्ट चल रहा था। ये आज मैंने अपडेट किया है वर्जन 10.0 के ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर अपडेट किया है आज 10.0 पे, तो ये एरर मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसका सोल्यूशन भी बहुत छोटा सा है। चलिए इसके सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन सिंपली, यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्राउजर है ये गूगल क्रोम का ब्राउजर है। गूगल क्रोम के ब्राउजर से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। तो गूगल क्रोम ब्राउजर से मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं इसको फायरफॉक्स के ब्राउजर में लॉग इन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये फायरफॉक्स का ब्राउजर है। यहाँ पर मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं फायरफॉक्स के ब्राउजर में लॉग इन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर फायरफॉक्स के ब्राउजर में ना ही पोस्ट के ओवरव्यू में कोई एरर दिखा रहा है। जो ये एरर हमें क्रोम ब्राउजर में दिखा रहा था, वो यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखा रहा है। और जो सेकंड बग हमें शो हो रहा था मेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, वो भी आप देख सकते हैं, फायरफॉक्स के ब्राउजर में जैसे हम यूज करते हैं फायरफॉक्स का ब्राउजर, उसमें ये एरर नहीं शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम मेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आराम से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम गूगल क्रोम की तरफ से है या फिर ये प्लगइन की तरफ से, इसका तो हमें पता नहीं। लेकिन जब तक हमें कोई नया अपडेट नहीं मिलता, तब तक हम इसको गूगल क्रोम में ना यूज करते हुए मोजिला फायरफॉक्स में यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में यूज करने से हमें यहाँ पर कोई एरर नहीं दिख रहा है, ना ही हमें यहाँ पर मेटा बॉक्स में कोई एरर दिख रहा है, ना ही हमें डैशबोर्ड में कोई एरर दिख रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही था इसका छोटा सा सोल्यूशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।